शिबानी कश्यप भी मेरे साथ जुड़ गई हैं। शिबानी, जैसा कि अनुराधा जी अपने अनुभव बता रही थी कि किस तरह से लता जी के संगीत से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, आपसे भी जानना चाहूंगी कि आपने अपने सिंगिंग करियर में लता जी के गाने सुनकर उनके संगीत से क्या कुछ सीखा और किस तरह से आज आप उन्हें याद कर रही हैं। जी नमस्कार। मैं ये कहना चाहूंगी, जैसे अनुराधा जी ने कहा कि हम सब सिंगर्स के लिए तो वो एक साक्षात सरस्वती देवी थी तो मैं कभी नहीं कहूंगी, क्योंकि वो इमॉर्टल है, लता जी इमॉर्टल है और हम आर्टिस्ट सबके लिए वो एक लेगेसी छोड़ के गई हैं। मेरे ख्याल से तो हमें उनकी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहिए। एक ऐसी सिंगर, एक ऐसी गायिका जो जिनका करियर 70 ईयर्स, ग्लोरियस 70 ईयर्स का रहा है, हर एक गाने से कुछ सीखने को मिलता है, चाहे वो लग जा गले या फिर लुक एट द वाइड रेंज, लग जा गले हो या फिर मेरे वतन के लोगों हो या फिर ये रात भीगी भीगी जो मैं बहुत अक्सर गाती हूँ। आई लव ऑल द सॉन्ग्स। आई थिंक हर एक गाना एक कहानी बताता है, एक मैसेज बताता है। उनकी आवाज में एक ऐसी अनयूजुअल एक्सप्रेशन है जो आपके दिल को छू ही जाती है, डेफिनेटली। सो आई थिंक ऑल द म्यूजिशियंस शुड गेट टुगेदर और उनके लिए एक कोई सेलिब्रेशन ट्रिब्यूट एक कॉन्सर्ट होना चाहिए जहाँ पे सिर्फ उन्हीं के गाने जाएं एंड सुनने को मिले। वी शुड जस्ट मेक अ फुल ट्रिब्यूट फॉर लता जी, व्हिच आई एम श्योर द वर्ल्ड इन एनी केस इज डूइंग इट। शिवानी, हमारे साथ मालिनी अवस्थी जी भी जुड़ गई हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। मालिनी जी, आज हर कोई लता जी को याद कर रहा है, अपने अपने तरीके से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है, क्योंकि उनकी शख्सियत ही ऐसी है कि हर देशवासी को ना सिर्फ उनसे प्यार है बल्कि उन पर नाज है। मालिनी जी, जी देखिए, आज का दिन तो मुझे लगता है कि एक बड़ा खुशियत लेकर आया। लता दीदी को तो हम लोग जागृत सरस्वती जी का अवतार मानते हैं। ऐसा लगता है कि किसी विशेष उद्देश्य से देवलोक से आई थी और देवलोक अब वापस चली गई है। एक पहली श्रुति, पहली नाद, पहली ध्वनि जिससे मुझे लगता भारतवर्ष के हर व्यक्ति का 3-4 पीढ़ियों से पहला परिचय हुआ होगा। संगीत है क्या, सुर है क्या, दैवी आवाज होती क्या है, वो पहली लता जी की आवाज थी। बच्चों की लोरी हो, देश को समर्पित गीत हो, गंगा पट्टी का कोई लोकगीत हो, विद्यालय में गाई जाने वाली कोई प्रार्थना हो, भाई बहन का कोई राखी की बंधन का गीत हो, प्रेम का गीत हो, मातृत्व का गीत हो, रोमांस का गीत हो, कोई शरारत का कोई गीत हो, मुझे लगता है कि इतने तो शायद स्त्री के मन के भाव नहीं बने जितने भावों पे उन्होंने गीत गा दिए। क्या कहूं मैं, बस यही बोलूंगी कि ऐसा जीवन जो लता जी ने जिया है, संगीत को एक ऐसा समर्पित जीवन जिसमें एक एक क्षण ऐसे नायाब गानों को उन्होंने गा करके बिताए, मुझे लगता है कि अब लोग ना गाएं बजाएं ना कुछ रिकॉर्ड करें तब भी उनके गाए हुए गानों की धरोहर ऐसी कि उसको सुनकर के तमाम जिंदगी काटी जा सकती है। कोई इतना परफेक्ट, इतना सुर में, इतना दिल से हर इमोशन को कैसे गा सकता है। हम लोग चकित रहते थे। आपने एक बात बहुत सही कही मालिनी जी, कि इतने भाव उनके गीतों में होते थे, चाहे वो कोई प्यार का गाना हो, चाहे वो कोई दिल टूटने के बाद कोई गाना गाए, या भाई बहन के प्यार का गाना हो, देशभक्ति का गाना हो, हर गाने में इतने इमोशंस होते थे कि वो आपके रूह में उतर जाएं। अगर मैं आपसे जानना चाहूं मालिनी जी कि आपका सबसे पसंदीदा गाना कौन सा है, यकीनन बहुत से होंगे, लेकिन कोई एक गाना जो आपके दिल के बेहद करीब है और आप अगर गुनगुना सकें। देखिए बहुत सारे गाने हैं, लेकिन पहला गाना, 2-4 गाने जरूर हैं। पहला गाना तो जो कोई पहला गाना जो फिल्म संगीत का मैंने सुना वो उनका महल का ही गाना हुआ, जिससे कि वो खुद भी इमॉर्टलाइज हुई। आएगा आएगा आएगा
आएगा आने वाला आएगा कि उनके गाने सुन सुन के कहाँ सांस लेनी चाहिए, कैसे गानों को शब्द दें, सुर दें, धार दें, ये कैसी हम लोगों के लिए एक लेगेसी की धरोहर है कि सीखते सुनते लोग सिर्फ सुन करके कितने लोग कलाकार बन सकते हैं। लता जी को क्या कहूँ मैं, अपना एक पूरे राष्ट्र का देश का कृतज्ञ नमन और प्रणाम है उनको कि वो देवलोक को वापस चली गई जहां से आई थी, लेकिन जो सुर की धरोहर हम लोग के लिए छोड़ के गई है वो कई पीढ़ियों के लिए हमेशा के लिए अमानत है।